100 हार्ट्स इनिशिएटिव। पिछले 7 सालों में 2000 बच्चों का इलाज किया है हृदया ने। बहुत ही बढ़िया ये एनजीओ है, नेक कार्य कर रहा है। 132/2 चेन्नई एक्सप्रेस धीरे धीरे अग्रसर हो रही है उस लक्ष्य की ओर, उस जीत की ओर। 25 रन अभी भी चाहिए, 3 ओवर बाकी, और धनुष के आते ही चेन्नई में कुछ ऊर्जा उत्पन्न हो गई। बिल्कुल, विक्रांत को कैसे रोकेंगे, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। जहां जा रहे हैं वहां पे रन ले रहे हैं, पर सूझबूझ के साथ। हमने पिछले ओवर में देखा था, पहली गेंद पर चौका जड़ा था, उसके बाद 2 रन लिए थे। विकेटों के बीच भी काफी तेज है और बढ़िया क्रिकेट का, अच्छा क्रिकेट का ज्ञान है उनके पास। एक परिपक्व पारी खेल रहे हैं, मच्योर पारी खेल रहे हैं। यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन टाइमिंग नहीं हुई, और अगर टाइमिंग सही होती तो शायद कैच भी हो सकते थे। यहाँ पे हम विक्रांत की लगातार चर्चा कर रहे हैं देवांग, पर आप पृथ्वी को नहीं भूल सकते जो सपोर्ट किया है, क्योंकि वो भी जब चाहे आप देखे स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपने कहा कि जी हाँ टाइमिंग सही बैठा नहीं, वो अपने बल्ले को देख रहे थे, शायद गेंद बल्ले की जड़ पे लगी। हम पृथ्वी को कैसे भूल सकते हैं, हम रहते हैं पृथ्वी पर। अजय क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ पे 4 रन और मिलते हुए विक्रांत ज्यादा रुकने वाले नहीं है और यही चाहते हैं जल्द से जल्द ये मुकाबला समाप्त करें। इसी के साथ 100 रन की साझेदारी, कितनी बड़ी साझेदारी है कहूंगा मैच, जहां तक मैच का ताल्लुक है। शॉट खेला और सही दिशा में, बहुत ही ऊंचा गया था, टाइमिंग भी बढ़िया, लेकिन सही चुनाव कर रहे हैं गेंदों का, ये एक खासियत देखने को मिली है उनके बल्लेबाजी में। सत्तर रन का योगदान रहा है विक्रांत की साझेदारी में, 28 पृथ्वी का, बहुत ही मूल्यवान योगदान रहा है पृथ्वी का भी। स्ट्राइक रोटेट करते रहे हैं सीनियर खिलाड़ी विक्रांत, पूरी तरह से सेट है और हावी है, और वो एक सिंगल लेके छोर बदलते रह रहे हैं और ज्यादा आक्रामक रवैया नहीं अपनाया उन्होंने। अब रिक्वायर्ड रन रेट तकरीबन 7.5 प्रति ओवर, पूरी पकड़ बनाकर रखी, और इसी बीच और एक चौका, बड़ी आसानी से रन आ रहे हैं। अब 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में। देखिए जहां जा रहे हैं खेल रहे हैं, इतनी बढ़िया ये विकेट है। प्रतिक्रिया देखिए कर्नाटका बुलडोजर्स के समर्थकों की, निराशा ही निराशा, जाते हैं मुकाबला फिसल रहा है। डिफेंडिंग चैंपियंस है याद रखिए कर्नाटका बुलडोजर्स, पिछले वर्ष और उससे पूर्व बहुत बढ़िया उन्होंने क्रिकेट खेली थी, दोनों बार खिताब जीता था, पर आज कुछ भी उनके पक्ष में गया नहीं। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, 25-30 रन कम बनाए हैं विकेट को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए, और गेंदबाजी हालांकि शुरू में अच्छी रही पर क्योंकि विकेट नहीं ले पाए दबाव उनके ऊपर लगातार बढ़ता रहा। 14 रन अब मात्र चाहिए 13 गेंदों में, और सबसे बड़ी बात कि अभी भी 8 विकेट शेष है। बिल्कुल, हम लोग एक वक्त ऐसा था शुरुआत में रन नहीं आ रहे थे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी कर्नाटका के गेंदबाजों ने, लेकिन उसका मुकाबला किया, वहाँ पर रनों का दबाव भी बढ़ रहा था लेकिन दबाव में बिखरे नहीं, दबाव का मुकाबला किया और एक बार साबित कर दिया कितने सक्षम खिलाड़ी है कठिन परिस्थितियों का सामना करने में भी। 145/2